जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाल। आज हूँ 10 तारीख तो पार्क को मुसी अंकल मैंने किसी थटा मजा करोल्ड मैन मैंने जो लैपटॉप क्लब अच्छी पक्ष भिडियो आपड़ देखते लैपटॉप क्लब लोक मैंने एक्सरसाइज कर ये अंकल जी अच्छा। अरे आज आज का क्या टॉपिक है बताओ। आरी आरी बाकी जो सजदा तो मन खा जाए ये तय कुछ जड़ता मैंने बता दिया था पहले वीडियो में, एक बार बात हो गया है। अंकल जी राम राम। राम राम जी। और आपका तबीयत ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। और आपका घुटनों में चोट आया था अभी ठीक हो गया? हाँ जी घुटनों में चोट आया था ठीक हो गया अभी? हाँ ठीक है बाकी मेडिसिन दवाई ले रहे हो? हाँ दवाई ले रहा हूँ खुद डॉक्टर है तो। हाँ तो अभी क्या बताना चाहेंगे हमारे यंग युवा है सबसे ज्यादा अच्छा क्यों है परेशान कि हाँ। ये सरकार रोजगार नहीं दे रही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रोजगार नहीं देने से हाँ। बच्चों में दूसरे रास्ते पड़ेंगे क्योंकि कोई करेगा कोई प्रकृति मारेगा यानी करेगा। ये है कि जो रोजगार नहीं मिलेगा तो खाने के लिए तो चाहिए हाँ खाने के लिए रहने के लिए चाहिए चाहिए तो उस मारेंगे सारी बात होगी। बहू भी कम है बहू भी कम है ना बहू तो आप ले दोगे के कैसे देना जो आप यू पिंदे रखे सो आप जो ये तो बात मानने वाली बात है। तो अंकल जी ये बता रहे हैं कि बच्चे लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं अभी जॉब नहीं मिल रहा है उन लोगों को। जॉब नहीं मिल रहा क्योंकि कोई इधर है कोई बाहर से है सब मतलब दूसरे स्टेट में मतलब डिपेंड करते हैं। नीत सरकार की नीत गंदी थी अच्छा यानी मन चीफ मिनिस्टर बनाते हरियाणा के अंदर यानी जो एज ओवर हो गया उसका तो बात कैसे नहीं तो सबको रोजगार कैसे दिया जाएगा रोजगार अच्छा। रोजगार इस तरह दिया जाएगा जो वैकेंसी खाली है हाँ उनको फोन कर दो अच्छा बात रहेगी 55 पर रिटायर कर दो सबको उसके बाद में देखोगे फिर कितने 1200 फीस है उतने 52 पर ले आओ 55 वाले नो कह 70 कर दो बताओ आप ही बाउल कर दो नहीं आप तो कह रहे हो बाउल कर दो लेकिन वो 55 वाले कह रहे हैं हमारी 60 कर दो। हमारा अंकल है एक्सरसाइज कर चुके अंकल जी गुड मॉर्निंग और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिंदास हूँ। और हो गया आपका एक्सरसाइज? अभी मेरा कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज। और कितना टाइम लगेगा? अभी लगेगा मुझे 15 मिनट। अच्छा और सब ठीक है तबीयत वगैरह आपका? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा चलो बढ़िया है ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए डेली ठीक है। और ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं ओल्ड ओमियान एक्सरसाइज कर रहे हैं लैपटॉप क्लब के इनके बारे में क्या करना चाहिए? सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से बहुत अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। नहीं अभी जितने भी सारे बुजुर्ग हैं या आप बता सकते हो पीछे जितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी एजेड लोग हैं और ये कुछ कुछ यंग लोग हैं यानी कि 50 से लेकर आई थिंक 60-70 तक लोग हैं। तो यही बात है कि सुबह एक्सरसाइज करने से एक माइंड एक बार फ्री रहता है और डिप्रेशन तो काफ़ी हद तक रहता नहीं है क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग जो सही नहीं रहेगा तो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं ना। बिल्कुल तो एक्सरसाइज करने के द्वारा क्या होता है तो सुबह का जो फ्रेशनेस रहता है वो एंड ऑफ द डे तक रहता है तो ये करना चाहिए डेली बेसिस में। बिल्कुल करना चाहिए सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए योगा प्राणायाम करना चाहिए उससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात। और आप क्या कहना चाहेंगे? घर में बीवी से नोक-झोक भी होनी बहुत जरूरी है उससे भी जो माइंड फ्रेश होता है। बिल्कुल सही बात है। अंकल जी बिल्कुल सही बताया बीवी से झगड़ा होना चाहिए वो डेली रूटीन है डेली होना चाहिए घर में झगड़ा भी होना बहुत जरूरी है।